कह रहे जी 7 साल के बाद आमदनी देने लग जाएगा जी, जो इसका जो हुआ वो बिकन लग जाएगा। अच्छा 500 रुपए किलो बिकेगा। अच्छा हाँ 7 साल के बाद जेडी मान लो इंडिया आपां साइड चो छांग देने आ बिल्कुल जी बिल्कुल आ वाली है। हाँ हाँ ये बिकेगा बिल्कुल 7 साल के बाद। तो ये चीज कोई नहीं दसेगा, मान लो जिम्मे हूं चंदन किसी ने लाया तो 7 साल बाद जिम्मे आप साइडा तो छांग देने इनकी भी कमाई तो देगा ये देगा। एक ही रेट जाएगा जी? हाँ एक रेट जाएगा जी 500 रुपए। ये बिकेगा पत्ता 250 रुपए किलो, ये बिकेगा 500 रुपए किलो। अच्छा पत्ता 250 रुपए किलो। हाँ जी मान लो रह जाए ये फिर 500 रुपए किलो बिकेगा। हाँ ठीक सी गल जी सत। अपना नाम दस दो आप केड़ी जगह खड़े हैं, दस दो एड्रेस माड़ा जा। गाँव कैरवाली का रहने वाला हूँ। अच्छा नाम की है जी तुहाडा? रूप सिंह। रूप सिंह है? हाँ जी हाँ जी। रूप सिंह नाम है, कैरवाली पिंड है, जिला करनाल है। जिला करनाल। ते अपना जिहड़ा बाग लगा चंदन जी चंदन दा अंकल जी इंदे बारे दसो माड़ा जा, किन्ने टाइम च तैयार हुंदा है ये? 16 साल में तैयार हो जाएगा। 16 साल च? 16 साल। ठीक है। इसकी कीमत होगी एक पेड़ कम से कम भी 14 या 15 लाख रुपया। 14 तो 15 लाख रुपया। हाँ जी। जो कह लो अंकल जी कीमत आज 15 लाख है अगर कंप्लीट बड़ा पेड़ा हुआ। हाँ हाँ जी। और 15 साल तो बाद तो मान लो कीमत डबल भी हो सकता है? बिल्कुल जी हाँ डबल बिल्कुल ना, मान लो कम होने की तो कीमत आई नहीं जी। अच्छा डबल होने की कीमत है ये मान कर चलो। ये पेड़ा कितने टाइम का जिसके आप पास? आज इसको 2 साल 3रा साल लग गया जी। ये 3रा साल लग गया? 2 साल का हो गया जी? हाँ जी 2 साल का हो गया। कितनी हाइट होगी जी इसकी? इसी बाजे पेड़े की तो हाइट होगी 10 फुट के करीब होगी। 10 फुट के करीब है इसकी? हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक। 12 फुट। हाँ पेड़ो के पास में। अच्छा हाँ जी। जेड़ा थल्ले लाया बूटा ए किस चीज दा मान लो? ये इसमें लगता है। अच्छा ये मेहंदी का पेड़ा बोलते हैं इसको? मेहंदी का पेड़ा। मेहंदी जेड़ा पार्क दे नेड़े? हाँ जी हाँ ये ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है? ये सरू का पेड़ा ये भी ऑक्सीजन देता सरू? है सरू। अच्छा इनू सरू कहते हैं? हां इनू सरू का है। अच्छा अच्छा हां जी। क्या नेम होगी ये? डेक है जी। डेक होगी है? हां जी ये तो वैसे ही बोया हमने सोंक बार आपने। अच्छा भाई कड़वापन खेत में रहेगा। अच्छा अच्छा मान लो वैसे ये जरूरी है? ये जरूरी है ये जरूरी है। अच्छा अच्छा दो चीजें जरूरी है जी। क्या? सरू? हां सरू। दोस्तों सरू का पेड़ा जरूरी है इनके विच? ये मेहंदी का पेड़ा और जी सरू ये गिरलो मिलते हैं उस टाइम। अच्छा आप लेओगे मोल तो ये बाग लाओगे तो मान लो जिवें आपा कल्ला बूटा ला दिए किसी ने घर वैसे नहीं होने का नहीं खराब हो जाएगा? हां जी ऑक्सीजन जरूरी है जी इनमें। अच्छा ये ऑक्सीजन घट पैदा करदा? हां जी हां ठीक ठीक। ते तुहानू किन्ने दा बूटा पिया जी एक? ये 350 रुपए का पेड़ा। 350 रुपए दा एक पेड़ा? हां जी हां जी। ते किन्ने एरिया च लगा जी ये बाग? ये मान लो 6 कनाल है जी। 6 कनाल? हां किन्ना पेड़ा लगा इंदे च? इसमें है जी 360 पेड़ा। 360 पेड़ा है? हाँ जी। चंदन दा के विच मिला के सारे? नहीं जी संजन चंदन का जी। अच्छा कल चंदन दे ने है? हाँ नहीं केला चंदन का 360 पेड़ा अकेले? हाँ चंदन हाँ, चंदन 300 पेड़ा? हाँ जी ठीक ठीक। तो जे किसे छोटे जिमीदार ने मान लो स्टार्ट करना होवे, किसे ने बाग वगैरह लाना होवे ते कित्थों स्टार्ट कर सकदा, उनू की राय देना चाहोगे तुसी? ये राय है अगर बहुत बढ़िया बात है अगर 1 बीघा या 1.5 बीघा उस पर जमीन कम है। हाँ जी। तो उसकी पहले तो चारदा करने की उसमें खंबे गाड़ो तार पुरो। अच्छा भाई जिस तक कोई जनावर नहीं बढ़ा ठीक है। हाँ जी उसके बाद में अपना मैं वही आवेंगे। अच्छा हाँ जी और सारे आपको समझा कर जाएंगे जहाँ से आप पेड़े आओगे कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। अच्छा अच्छा हाँ जी मतलब कनाल च भी कर सकदा? बिल्कुल कनाल भी कर सकता है। अच्छा। 1.5 भी कर सकता है 1 भी कर सकता है जी। देख लो दोस्तों अबे तनु मैं द्वारा तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो भी जानकारी चाहिए ना हां जी वो साथ में लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा मान लो जित्थों आपा बाग वास्ते मान लो पेड़े खरीदांगे हां वो जानकारी कंप्लीट जानकारी खाच में खार जरूरी पड़ेगा जी इसमें जब ये पेड़े लगेगा। अच्छा थोड़ा जब तैयार होगा ना किन्ने टाइम तक मान लो खाद दवाई केड़ी यूज कर दे तुसी? मैं तो इसमें इस टाइम तो जी मतलब पहले डाया गे रहा। अच्छा 1.5 साल अब ये बंद कर रखे डाया खाद इब तो इसमें 505 ही दवाई या मतलब एक नागराज के नाम था है। अच्छा वो गिरते हैं 505 ते नागराज है? हाँ जी हाँ ठीक ठीक। तो मान लो किन्नी टाइम इंदी रख रखाव जरूरी है?
देखो साल तो बच्चे की डाल, मतलब 5 साल तक तो बच्चे की डाल पालना है। अच्छा, हाँ, बच्चे वांगो पालना पैंदा। हाँ, तो फिर उसके बाद नहीं दिक्कत है? नहीं जी, दिक्कत है। फिर इसमें कोई चोर रात न पेड़े नहीं कर, मैं लोग कट जाए। अच्छा, तो जिम्मेवारी मतलब 15 साल तक रवे रवे। अच्छा अच्छा, और दुबारा चोरी का भी डर है? हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, हाँ ये बलकनी इसमें 2 साल पीछे चबारे की तैयारी है, ऊपर चबारा बनाएंगे। अच्छा, बंदूकें रखेंगे, दोवरी सारा इंतजाम रखेंगे। वधिया जी। फिर हाँ जी, ये मान लो जे किसी ने बाग लाना, हर एक दे बस दी गल नहीं आगी वैसे। हाँ ना, भी ये कोनी भी कोई हर एक बंदा बाग ए पेड़े लाड़ेगा, बाग लाड़ेगा, इन दे वास्ते मेहनत जरूरी है। मेहनत जरूरी है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब भाई लगा सकते हैं। मेहनत जरूरी है जी, सब्र भी जरूरी है। हाँ हाँ, मान लो अगर देखो मैं आपने बताऊं, अगर मार पे मान लो जमीन 1 बीघा, हाँ जी, अरे उसमें 5-7 मरले लगा कर देखो आप पेड़े। हाँ जी, परमात्मा 5-7 पेड़े के नहीं रकमों के हैं। ठीक ठीक बिल्कुल है जी, ये बात है। देखो ये मतलब ये भी ये पेड़ा है, ये मोटे मोटापन चलेगा इसमें, ये 10 का 11 फुट लंबाई होगी इसकी। हाँ जी, है जी। तो इनकी मान लो जी मोटाई किन्नी हो जाएगी 15 साल ऐसी होगी जी? अच्छा हाँ, तगड़ा बूटा पूरा बूटा बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। ते हाइट कितनी हो जाएगी तकरीबन टोटल इनकी? कम से कम 35 या 30 फुट। 30-35 फुट हो जी। हाँ जी, चंदन दे बूटे दी। हाँ जी ठीक है। ते कई मैं सुनया कई लोग कहंदे ने भी इन दे नाल मान लो सांप वगैरह चिंबदे, सांप आंदा 25-26-30 साल के बाद। अच्छा, मैक आवेगी जी इसमें? तो मैक हो जाएगी, यानी 15-16 में कोई मैक नहीं आने की। अच्छा अच्छा, फिर तो एक पेड़े पे कम से कम भी 25 या 30 पेड़े ऐसे जुड़ लेंगे। अच्छा हाँ, इतना पुराना मान लो, ज्यादा पुराना। हाँ जी, तो ये तो एक वो हो गया, पहले पहाड़ियों में बाजे फिरी पेड़ा वैसे हो गया। हाँ जी, किसी जनावर ने बीज घेर दिया। हाँ जी, और वो ऊपर खड़ा, पता 40 साल का उस तो सांप ही झूल लेंगे, तो यहाँ तो 16 साल में कट जाएगा। अच्छा, जिम्मे मान लो 15 साल बाद तो कोई ना कोई दिक्कत नहीं है? ना ना कोई दिक्कत, 15 साल मैक ज्यादा होगी उसके साथ। अच्छा, फिर सांप होंगे ने चिंबड़ बिल्कुल? हाँ जी हाँ जी, सच्चाई गल है, सच्चाई है। अच्छा अच्छा, ये व्हाइट चंदन है? ये व्हाइट है। अच्छा, लाल की मैक ज्यादा दूर लगता है? लाल नहीं, इसकी भी मतलब 25 साल के बाद मैक हो जाएगी। अच्छा, 25 साल लगता रहना ही नहीं बस, मान लो वेचन वास्ते 15 साल जरूरी है। जरूरी है 15 साल तो जी। अब मैं लंबाई जा रहा था तो वहाँ पेड़े की कीमत लगी 15 लाख रुपए पेड़ा बिका। 15 लाख रुपए? हाँ जी, आज के टाइम में? आज के टाइम में ये बात हो ली कोई 4-5 महीने की, भाई जा रहा था वहाँ। अच्छा, बाग भी देखने गया था तो बोले जी बिक जाए। दोस्तों देख सकते हो आज की कीमत है घट्टो घट 15 लाख रुपया। जे आज की कीमत 2024 की गल करिए तो इनकी लंबाई हो जाती है 30 से 35 फुट। तो जरा लाल चंदन है अंकल, उसकी परमिशन नहीं है सर? उसकी नहीं है जी, उनकी परमिशन नहीं ना, है इस वाइट की है। वाइट की परमिशन? वाइट की है। अपने हो जाता है इस मिट्टी में? हाँ, मिट्टी बढ़िया, मैं लो कोई दिक्कत आप देखो बढ़िया पेड़ा चले। कहीं कहते हैं पहाड़ी एरिया च होता? नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लोकल भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल होगा लोकल, परमिशन का है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो ये तो कम है, हमारे गाँव में 4 गाँव है, वहाँ एक जगह 20 बीघे है। अच्छा हाँ जी, एक जगह 15 बीघे है। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा ऐसा मोटा बड़ा पेड़ होगा, 6-7 साल में ऐसा बढ़िया पेड़ हो रहा है। हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया पेड़ हो रहा। चमासा लग रहा, मौसम खराब होता है, हवा ज्यादा चलती है, उसको पेड़ों को माटी लगाओ बराबर में, जिससे मजबूती रहा पेड़ में, भाई ये डोल लगे मिट्टी लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस ये बात है जी। वेख सकते हो दोस्तों तुम, हरेक बूटे नूं मिट्टी लगी है, घट्टो घट 2-2, 3-3 फुट मिट्टी लगी है। हाँ, 2 फुट मान का चलो जी, 1.5 फुट तो कम से कम, भाई जिस तरह मजबूती रहे पेड़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, तो ये बात है जी। ठीक है जी, गड्ढे भी नहीं कहता, 1-1 फुट के 1.5 फुट के। ते मान लो जिवें किसी ने बाग लाना है, तुसी ये किन्नी मान लो इंदी चौड़ाई ते लाए ने, किन्ना फासला इंदा दे विच? ये लगा लो आप 5 फुट बढ़िया बलकन, 6, 5 या 6, 5 to 6 फुट का फासला होना ये ले लो, 12 फुट बीच में पेड़ा लगेगा। ठीक ठीक, 6 और 6 ये सरू का पेड़ा है। सरू सरू सरू
नहीं 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 फ्रांस नहीं 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 फ्रांस तो इतना हुआ अच्छा ये शुरू हुआ भाई नहीं शुरू हुआ ना शुरू हुआ ये ऑटोमेटिक आपको खत्म होने रहेगा जी जून जो पेड़ा बल देगा अच्छा इसकी जो ऑक्सीजन है सारी इनमें बढ़ जाएगी अच्छा अच्छा हाँ ये तो पिप्पा बन जाएगा किस्म का ये मान लो कटिंग वास्ते कितने टाइम तक तैयार हो जाएगा ये इसका कोई फायदा नहीं जी अच्छा हाँ ये तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन वास्ते बस मान लो हुण ऑक्सीजन वास्ते तुसी लाया है हां कट्ठे लाए सन तुसी हां कट्ठे पर इनदी हाइट ज्यादा होगी हां ये बढ़ गया देखो ज्यादा जी इनदी हाइट देखो ज्यादा होगी ज्यादा हो गया जी ये एक तो ये पेड़ा जी एक ये चंदन का एक ये मेहंदी ये तीनों पेड़े एकदम मिलते हैं अच्छा हाँ एकदम मिलते ने हाँ ये लगाना पड़ेगा दोस्तों जे तुसी मान लो बाग वास्ते सरू दा पेड़ा जरूरी है ते जड़ा रेड जी आ मान लो उंदी है बूटी जी पार्क वगैरह ये नाल ही मिलेगी तुहानू जो तुसी बाग वगैरह लाओगे अंकल मान लो जिवें हुण आपां बूटा सरू दा वड्डा हो गया नीम भी वड्डी हो गई है पर आने वाले टाइम च भी तो वड्डा होएगा हाँ बिल्कुल बदल चंदन भी फिर इसकी कटाई चलता रहेगी अच्छा इनकी कटाई होती रहेगी ये कदों कटाई हो जाएगी ये अब करी है जी कटाई इसकी अच्छा हाँ कटाई करी जी हाँ कटाई होगी ये बाग का फिर अगले छह महीने बाद फिर कटाई होगी हाँ कंप्लीट कदों कट कटाई ना ये भी नहीं होता जी तले तक नहीं नहीं कितना देखो कितना टाइम लगता है ये तो 5 साल बाद हाँ यानी कि 5 साल तो बस जो तो इनके 5 साल तो पहले ही हो जाएगी इनकी तो पाल में खत्म चंदन रह जाएगा चंदन चंदन रह जाएगा जी अच्छा 10 साल तो बाद कल्ला चंदन रह जाएगा बस ठीक है हाँ जी हाँ ये भी मतलब 5 साल तक है मेहंदी भी आपको ऑटोमेटिक फिर ये पेड़ आपको ऑक्सीजन नीचे ते लेगा ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसमें भर आज तीन मज गए उसके भर क्या लकड़ियों के जी अच्छा हाँ इनके ये सरू के था डेक था जी सर ले वैसे उठवाया मैंने बिल्कुल बेचारे गरीब दोस्तों जे किसी ने खेती करनी है ते सरू दा पेड़ा जरूरी है ते घट्टो घट 5 साल तक रख रखाव जरूरी है ज्यादा है जी 5 साल तक ज्यादा है अच्छा कोई दिक्कत नहीं उस तो बाद अपना ये हो जाता लकड़ की देख रखाव हो जाती है बस आप कोई लकड़ चोरी ना करे बस 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 जी ठीक कह रहे जी 7 साल के बाद आमदनी देने लग जाएगा जी जो ये इसका जंगो हुआ वो बिकन लग जाएगा अच्छा 500 रुपए किलो बिकेगा अच्छा हाँ 7 साल के बाद जेडी मान लो इंडिया आप साइड चो छांग देने बिल्कुल जी बिल्कुल आ वाली है हाँ हाँ ये बिकेगा बिल्कुल 7 साल के बाद तो ये चीज कोई नहीं दसेगा मान लो जिम्मे हूं चंदन किसी ने लाया तो 7 साल बाद जिम्मे आप साइडा तो छांग देने इनकी भी कमाई थानू देगा ये देगा एक ही रेट जाएगा जी हाँ एक रेट जाएगा जी 500 रुपए ये बिकेगा पत्ता 250 रुपए किलो ये बिकेगा 500 रुपए किलो अच्छा पत्ता 250 रुपए किलो हाँ जेडिया मान लो रह जांदियां ने ये फिर 500 रुपए किलो बिकेगा हाँ हाँ ठीक ठीक 7 साल के बाद 7 साल बाद 7 साल बाद ठीक क्यों इसमें ये जो टैन है मोटे हो जाएंगे फिर इसी मोटे कमाई ज्यादा हो जाएगी आइडिया कितना को मान लो लगातार आए साल मान लो हाँ आए साल उतरेगा जी आए साल उतरेगा 15 साल तक उतरना जी माल 7 साल के बाद 7 साल बाद है यानी कि मेन कमाई तो 7 साल बाद देन लग पे देन लग जाएगा ये अपना खर्चा खुद कर देगा दवाई का खर्चा का जो नौकर होगा उनका खर्चा लिख लेगा उसे कोई दिक्कत नहीं ठीक जे मान लो किसी ने आप कणक मुंजी दी आप फसल करने हैं नहीं होंगी जी ते उस तो वधिया मान लो जे हाँ बहुत बढ़िया जी अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बस एक थोड़ा सबर करना पड़ेगा 7 साल हाँ ठीक है ये नहीं है भाई इसमें बराबरों में यदि करतार पूरे दी हमने घिया लगा दी हाँ जी। या और कोई सब्जी ये नहीं लगा बिल्कुल इसमें कीड़ा आता है अच्छा हाँ दोस्तों बिल्कुल साफ सफाई रखनी पैंदी है बस सब्जी नहीं ला सकते बिल्कुल भी इंदे च कुछ भी वेख सकते तुसी 7 साल बाद अंकल किन्नी को मान लो किन्ना को निकल जांदा इंदे च मान लो किन्नी को लकड़ निकल जांदी किन्ना पत्ता निकल 6 महीने में ये मैन का चलो कम से कम भी 1 लाख रुपया आराम से लिख लीजिए 6 महीने विच यानी कि साल दा 2 लाख 2 लाख रुपया खर्चा 6 कनाला च हां जी 6 कनाला च हां ठीक है दोस्तों 2 लाख रुपया ते साल दा ओदू बाद भी देण लग पेगा तुहानू 6 कनालां दे विचों ठीक है दोस्तों धन्यवाद जे वीडियो वधिया लगी ते चैनल नू सब्सक्राइब ते शेयर जरूर कर दियो